ओके तो यहाँ पर हम जो हैं ये सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं जो इसमें यहाँ तक लिखे हुए हैं, आप लोग वेरीफाई कर लो। वालेकुम सलाम। सही है, इनको वेरीफाई कर लो। और इसके अलावा जो बुक है वो भी आपको ऑलमोस्ट आती है, सही है, 80%। बाकी पढ़ना आपका काम है, कोई मसला हो, कोई चीज़ पूछनी हो वो आप लाजमी पूछो। सही है, आपने जो है ये बनाने हैं ये प्रोजेक्ट्स जिनमें जिन पे डन लिखा हुआ है वो हम कर चुके हैं, आप लोगों ने करने हैं इंडिविजुअली दिखाने हैं। सही है, मैं इंडिविजुअली ऑल देखूंगा हर किसी के कोड के साथ। ठीक है, तो एडवांस जावास्क्रिप्ट आज से हमारा टॉपिक है। सही है, एडवांस जावास्क्रिप्ट आज से हमारा टॉपिक है। सही है, जो अभी तक आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है वो उसको हम क्या क्या कह सकते हैं? बेसिक जावास्क्रिप्ट, सही है, वनीला जावास्क्रिप्ट और कोर जावास्क्रिप्ट। वनीला जावास्क्रिप्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको अगर ये थोड़ा सा बताएं? जो आप जिसमें किसी भी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मतलब किसी भी थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड पार्टी कोड अगर आपकी जावास्क्रिप्ट में नहीं लगा हुआ, कोर जावास्क्रिप्ट ही लिखी हुई है, कोर मतलब प्योर जावास्क्रिप्ट और कोई दूसरी तीसरी बीच में चीज ऐड नहीं है, वो आपकी कोर जावास्क्रिप्ट कहलाती है, वनीला जावास्क्रिप्ट कहलाती है। सही है, लेकिन आज से जो चीज आप पढ़ने जा रहे हो उसका नाम एडवांस जावास्क्रिप्ट भी है, इक्मा स्क्रिप्ट भी है। इक्मा स्क्रिप्ट क्या है थोड़ा सा अगर हम इसको देखें, वो सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड वर्जन है। सही है, और जावास्क्रिप्ट के उसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं। ठीक है, वो उनका कहना ये है इक्मा स्क्रिप्ट का कि भाई हम जो है जैसे कि ये लिखा हुआ है, व्हाट इज इक्मा स्क्रिप्ट एंड ES6। ES जहां पे भी नाम आ जाए तो समझ लेना इक्मा स्क्रिप्ट की बात हो रही है। ठीक है, और ये बोल रहे इक्मा स्क्रिप्ट 2015। इक्मा स्क्रिप्ट 2015 का ये मतलब है इक्मा स्क्रिप्ट यानी एडवांस जावास्क्रिप्ट में 2015 में क्या नए फीचर्स आए हैं। सही है, और उसके बाद ES7, ES7 का मतलब है 2016 में क्या नए फीचर्स आए। इस तरह अभी तक चली रही है, सही है, कभी भी खत्म नहीं होगी, हर साल 2 या 3 नए फीचर्स आते ही आते हैं। ठीक है, ओके, जो मेन फीचर्स हैं, जो मोस्टली यूज होने वाले फीचर्स हैं वो मैं आपको कराऊंगा, जितने आते हैं सब करवा दूंगा। ठीक है, आप बाकी लर्न करना, काम करना आपका काम है। सही है, और रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, मॉन्स्टैक डेवलपर, जो भी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट से ऊपर वाला कोई भी लेवल है उसमें आपसे लाजमी इस एरिया से रिलेटेड लाजमी सवाल पूछे जाएंगे कि भाई ये वाले एरिया में से आपको क्या आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ लाजमी पूछा जाएगा, जिनमें से 2 से 3 चीजें हम लाजमी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ सबसे पहले वेरिएबल्स पर। सही है, वेरिएबल्स क्या है, कोई बताना चाहेगा जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्या करते हैं? मैं लिखता हूं वार ए इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट कंसोल डॉट लॉग ए। ठीक है, सेव किया, वापस जाते हैं इधर, इसको बंद कर देते हैं, हम इसको भी बंद कर देते हैं, इधर आ जाते हैं कंट्रोल है जावास्क्रिप्ट, जो कनेक्ट नहीं हुआ है ना वो जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाए। सही है, मेरी आवाज सबको आ रही है? ओके, ये मेरे पास जावास्क्रिप्ट कंसोल में आ गया है और एक वेरिएबल मैंने कंसोल कराया। क्या होता है वेरिएबल? हाँ, और
अगर आपने जावास्क्रिप्ट में कोई डेटा किसी जगह पर स्टोर करवाना है तो उसके लिए आप वेरिएबल्स का यूज करते हो, सही है? और वेरिएबल्स का यूज करने के लिए आपको वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है? आपके पास प्लेन जावास्क्रिप्ट, कोर जावास्क्रिप्ट या वनीला जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का जो तरीका है वो है, उसके लिए एक कीवर्ड उन्होंने बताया हुआ है, विच इज वार, सही है? वार के बाद आपने वेरिएबल का नेम बताना है, और इज इक्वल टू का ये मतलब है कि राइट ऑपरेंड पे अब जो वैल्यू रखी हुई है वो लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन की गई है, सही है? ये जो है ए, ये एक वेरिएबल नेम है जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट, सही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, वेरिएबल सबको क्लियर है? ओके, मैं 1 मिनट के लिए, सही है? वेरिएबल्स जब इस तरह के बनते थे ना, ठीक है, तो एक्मा स्क्रिप्ट नहीं आई, जब जावास्क्रिप्ट जब आई तो एडवांस जावास्क्रिप्ट में एक्मा स्क्रिप्ट जब आई तो उन्होंने बोला कि हम वेरिएबल्स को बनाने के लिए नए तरीके लेकर आए हैं, न्यू वेज टू राइट वेरिएबल्स, सही है? सबसे पहले आते हैं आपके पास जो नया वेरिएबल बनाने का तरीका है, विच इज कॉन्स्ट। कॉन्स्ट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट, ठीक है? कॉन्स्ट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट, ठीक है? ओके, वार एक्स इज इक्वल टू, सही है, अहमद, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एक्स, ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं, कंट्रोल आर, मेरे पास अहमद आ रहा है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ठीक है? वापस आते हैं ऊपर वाले वेरिएबल्स पर, ठीक है, और मैं आया, मैं इसको भी खोल देता हूँ, ठीक है, सेव किया, कंट्रोल आर, मेरे पास जावास्क्रिप्ट भी आ रहा है, मेरे पास अहमद भी आ रहा है, समझने की कोशिश करना, ठीक है? ए इज इक्वल टू, ठीक है, एच टी एम एल, सही है? ए में क्या आएगा अब? ए में एच टी एम एल आएगा, सही है, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, मेरे पास ए में एच टी एम एल आ रहा है, ठीक है? ओके, नाउ एक्स इज इक्वल टू ए एल आई, अली, ठीक है, सेव करते हैं और वापस जाते हैं। उसने लाइन नंबर 7 में एक एरर फेंका है, अनकॉट टाइप एरर असाइन टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, ठीक है? जब भी कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स यानी कॉन्स्ट से अगर कोई वेरिएबल असाइन किया गया है तो वो ओवरराइट या रीराइट नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है? आप जावास्क्रिप्ट से ऊपर वाले किसी भी लैंग्वेज का इंटरव्यू जब भी देने जाओगे आपसे एक सवाल ये लाजमी पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वार लेट एंड कॉन्स्ट। ये तीनों मैं आज क्लियर करूंगा, ठीक है? सही है, कॉन्स्ट का एक बात ये हो गई कि वो कभी भी रीराइट नहीं हो सकता, ठीक है? ओके, चलो इसका इसका आंसर दो अब, ये क्या आएगा? मैंने लिखा वार ए एक्स, ठीक है, एक्स को मैं बाद में डिफाइन कर सकता हूँ ना कभी, एक्स को मैं बाद में डिफाइन कर सकता हूँ कभी, सही है? कॉन्स्ट एक्स, ठीक है, वो मेरे को रोक रहा है, क्या बोल रहा है? बोले डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज, आपको लाजमी इनिशियलाइज करना होगा, अदरवाइज आप एक्स की वैल्यू को ओवरराइट नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो फिर मेरे पास क्या हुआ था कि एक जगह मैं इंटरव्यू देने गया हुआ था, उसने बोला यार कोई ना सोल्यूशन निकाल के दिखाओ कि एक्स की वैल्यू को मॉडिफाई करें, सही है? नहीं, कॉन्स्टेंट में जो आपने डेटा रखा हुआ है उसको मॉडिफाई करके दिखाओ, सही है? वहां पर मैं पास हो गया था। कैसे आते हैं यहाँ पर, मैंने बोला ठीक है यार, अगर जुगाड़ की बात करनी है ना, कुछ करके ही दिखाना है, तो फिर हम इस तरह कर सकते हैं, कॉन्स्ट ए आर आर इज इक्वल टू दिस एप्पल कॉमा पी ए एन ए, ठीक है, बनाना, कंसोल डॉट लॉग ए आर आर, सही, सेव किया और वापस आते हैं, कंट्रोल आर, मेरे पास एरे आ रहा है, सही है, कॉन्स्टेंट में असाइन है, ठीक है, ए आर आर डॉट पुश, सही है,
पुश में मैंने इसको मैंगो बता दिया, ठीक है, सेव किया, कंट्रोल आर मॉडिफाइड हो गया, सही है। जब भी आपने एरे टाइप के लिए कोई वेरिएबल्स यूज करने हो, ऑब्जेक्ट के लिए कोई वेरिएबल यूज करने हो, आपके लिए मेरी रिकमेंडेशन है आप कॉन्स्ट को यूज करो। जब भी आपने स्ट्रिंग टाइप का कोई भी डेटा टाइप यूज करना हो, उसके लिए आप कॉन्स्ट को यूज ना करो। जहां तुम्हें पता हो इसको ओवरराइट नहीं करना, वहां कॉन्स्ट को यूज करो। सही है, नई चीज आई है तो उसको इस्तेमाल करो, ठीक है। कॉन्स्ट क्लियर है सबको, आप ओवरराइट डेटा नहीं कर सकते इससे, सही है। आप इसको इनिशियलाइज एम्प्टी नहीं छोड़ सकते जब इसको बना रहे हो, ठीक है, ओके। अब आते हैं किस पे, फंक्शन, सही है, वार स्कोपिंग, कंसोल डॉट लॉग, यस वहीं पर आने लगा, ठीक है, उसी पर आने लगा। वार एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू 1, ये वाला वन नहीं कर रहे हम, नंबर वाला वन। कंसोल डॉट लॉग मैंने लिखा x1:1, नॉट 1x, सही है। और वार स्कोपिंग जो मैंने फंक्शन बनाया था उसको मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, सेव करते हैं और जाकर देखते हैं मेरे पास फंक्शन रन कर रहा है x1:1, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक है, ओके। अगर मैं ये कंडीशन लिखूं, इफ ट्रू, कंसोल डॉट लॉग, यस जी, क्या ये वर्क करेगी, वर्क की करेगी नहीं करेगी, सही है, क्यों, क्योंकि कोई फॉल्सी वैल्यू, कोई ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा कि बट डेटा फॉल्स हो, सही है। सेव करते हैं और वापस जाते हैं, कंट्रोल आर, मेरे पास यस आ रहा है, ठीक है, आओ वापस आते हैं, गौर से देखना मैंने किया क्या है। इसको मैंने डेटा को कॉपी करा है, नाउ वार एक्स इक्वल टू 2, सही है, नाउ x1:x2, और यहां पर x ही असाइन है, ठीक है, एक एक्स को लिखा है लेकिन चारों चारों हाईलाइट हो गए कि भाई चार जगह लिखा हुआ है, सही है, x1 असाइन है। मेन याद रखो आपका जो ब्रैकेट का स्कोप है लाइन नंबर 19 से लेकर 27 तक है, जिसमें दो वेरिएबल्स असाइन है एक्स के नाम के, एक पे भी क्लिक कर रहा हूं तो कितने हाईलाइट हो रहे हैं, चारों हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो आपका मेन स्कोप है उसके अंदर एक और स्कोप है लाइन नंबर 23 से लेकर 26 तक, ठीक है, मैं काम कर सकता हूँ, सही है। इसको एक और दफा कॉपी करते हैं और कंट्रोल भी, ठीक है, नाउ x3, जी कंसोल नंबर वन, एक्स नंबर वन, एक्स नंबर टू, एक्स नंबर थ्री, क्या आंसर आएगा, 1:1, 1:1 वाले कौन कौन है वो हाथ उठा लें, 1:1 वाले हाथ हटा लें, 2:1 वाले हाथ हटा लें, 1:2:2 वाले हाथ हटा लें, 1:1, 1:2:2, 1:1, लाइन नंबर 24 पे एरर, एरर वाले भी हाथ उठा लें, बिल्कुल ऐसे ही सीखोगे, देखो याद रखो अगर मैं इस ब्रैकेट को बंद कर दूं, ठीक है, तो मेन स्कोप ये रहा और ये वाला एक्स ये रहा, मैं ये नहीं कह रहा ये वाला ये रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ, 1:1 वाले कौन कौन है, 1:1, 1:2:2, 1:2 एरर, जी थोड़ा सा सोचो ना, बताओ देख के, हाँ भाई जो बाकी नहीं बताना चाह रहे वो गलत अगर बताएंगे तो मसला थोड़ी है, 1:1, जी आप दोनों, 1:2:2 या 1:1, 1:2:2, हाँ
मैं यही बताना चाह रहा हूँ, लगाया इस वजह से है कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि देखो एक वेरिएबल बनाया उसमें एक्स की वैल्यू है 1, सही है, एक कंडीशन लगा दी जिसमें एक और वेरिएबल है एक्स का ही नेम का, ठीक है, नाउ एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो अब मैंने उस ब्रैकेट के बाहर आके, लेकिन मेन ब्रैकेट के मैं अंदर हूं, मेन स्कोप मेरा टूटा नहीं है, X3 इज इक्वल टू X, इसमें क्या आएगा, लगाया क्यों है, ये बात तो कोई लीगल सवाल नहीं, अब समझ आया, ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं कंट्रोल R 122, सही है, क्यों, उसका रीजन ये है कि X इक्वल टू 1, सही है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लाइन बाय लाइन सिंगल थ्रेडेड, यहाँ पे 1 असाइन हो गया, उसको जो वार कभी भी आपको कहीं भी लगाओगे ना उसका स्कोप ग्लोबल है, वो उसके बाद उसको दोबारा कभी भी वो वैल्यू मिलेगी जो एक दफा वेरिएबल में असाइन हुई भी है, अगली दफा कभी भी वो वेरिएबल मिला उसमें अपडेटेड वैल्यू को असाइन कर देगा, ठीक है, तो जब इसको 2 मिला तो उसने यहाँ पर भी 2 रखा और यहाँ पर भी 2 रखा, क्योंकि उसको ग्लोबली एक्स मिल चुका था, ग्लोबल स्कोप है, पार का ग्लोबल स्कोप है, ठीक है जी, कोई सवाल आपको क्लियर हुआ ग्लोबल स्कोप क्या है, सही है, ओके, क्या आता हूं जी, नहीं, मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं, वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, सही, किसको, कंसोल डॉट लॉग को, इसको, हाँ तो भी चलेगा, लाइन नंबर 30 पर, यही वाली लाइन, ये सेव किया कंट्रोल आर, एक्स इज नॉट डिफाइंड, उस स्कोप की बात हो रही है जिस स्कोप के अंदर वेरिएबल्स डिफाइन है तो भी वर्क करेगा, तो भी वर्क करेगा, अब इस चीज को ना थोड़ा सा और समझो, ठीक है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, सुनो, एक्स का वेरिएबल का जो वार स्कोप है उसका स्कोप ग्लोबल है, ठीक है, ओके, अब इसी चीज को कॉपी करते हैं, जरा गौर से देखना क्या हो रहा है, ठीक है, नीचे आते हैं, एक और फंक्शन बनाया है नाउ, इसको मैंने दिया है नाम लेट स्कोपिंग, ठीक है, इस फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ और इसको नीचे भी कॉल कर देता हूँ, नाउ इंस्टेड ऑफ वार आई एम यूजिंग लेट, लेट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है, और जितने भी जगह पे वार लगा हुआ है मैंने उनको लेट कर दिया है, देखो एक्स इक्वल टू 1, सही है, एक्स 1 इफ ट्रू डेफिनेटली विल वर्क, इफ एक्स इज इक्वल टू ट्रू एक्स 2, सही है, और उसके बाद आता है X3, सेव किया और पुरानी वाली वैल्यूज को मैं थोड़ी देर के लिए कमिट करता हूं और जरा आप आउटपुट देखना भी, ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं, नाउ कंट्रोल आर 121, सही है, जो लेट है ना वो सिर्फ अपने स्कोप के अंदर वर्क करेगा, ये वाला जो उसका मेन स्कोप है ना, जहां पर लेट एक्स इक्वल टू 1 है उसने इस वाले सेक्शन को इग्नोर किया क्योंकि वो उसका स्कोप नहीं है, तो यहाँ भी 1 आया और यहाँ भी 1 आया, ठीक है, यहाँ पर सेम वेरिएबल असाइन था लेकिन उसका स्कोप डिफरेंट था तो उसने वहां पर 2 दिया, तो आपका स्कोप जहां पे जो आपका लेट है वो आपका ब्लॉक स्कोपिंग है लेकिन जो आपका वार है वो आपका ग्लोबल स्कोपिंग है, बिल्कुल वर्क करेगा, बिल्कुल वर्क करेगा, सही है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नॉर्मल वेरिएबल्स के लिए लेट यूज करो, जहां पर आपको पता चले कि एरेज और ऑब्जेक्ट्स की बात है या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात है, यानी कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, वहां पर यूज करो कॉन्स्ट वेरिएबल्स एरे नो ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल्स, वेरिएबल्स नहीं ऑब्जेक्ट्स एरेज और डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो भी आप वेरिएबल बनाओ, ठीक है, वहां कॉन्स्ट यूज करो, अदरवाइज लेट यूज करो, ठीक है, ये नया फीचर है तो इसमें आपका यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो आपका ग्लोबल स्कोपिंग है और यहाँ पर आपके जो है ब्लॉक स्कोपिंग है, ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं, आओ देखना भाई, दोबारा देखो, नाउ वार एक्स इक्वल टू 1, सही है,
कंसोल डॉट लॉग एक्स, सही है, वार एक्स इक्वल टू टू, सही है, क्या आंसर आएगा? टू आंसर आएगा, ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, मेरे पास टू आ रहा है, सही है, क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई आपने ग्लोबल वेरिएबल में जो बनाया है उसको आप जितनी दफा मर्जी बना लो, जो अपडेटेड वैल्यू मेरे को मिलेगी मैं उससे तमाम डेटा को रिप्लेस मार दूंगा। सेव किया, वापस आते हैं, इसको कमिट करते हैं, सही है, लेट, कॉपी किया और कंट्रोल वी, ठीक है, क्या बोल रहा है? कैन नॉट रिडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल एक्स, जो वेरिएबल फ्लैट से बना हुआ होगा अगर वो उसको अपने ब्लॉक के अंदर मिला वो उसको दोबारा वो वेरिएबल्स बनाने नहीं देगा, ठीक है। तो जहां पर आपको आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्ट को हटा दो, कॉन्स्ट का आप सिंपल सिंपल जवाब दोगे भाई रिडिक्लेयर नहीं हो सकता, मॉडिफाई जरूर हो सकता है, मॉडिफाई मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी भी ऐड होगी, एरे के अंदर वैल्यू ऐड भी होगी, डिलीट भी होगी, मॉडिफाई भी होगी, ठीक है, लेकिन पूछा जाएगा वार और लेट को डिफाइन करो, तो फिर आपने इस तरह करना है कि भाई वो ब्लॉक स्कोपिंग है, ब्लॉक के अंदर वर्क करेगा, ये ग्लोबल स्कोपिंग है, जैसा बोलोगे वैसा वर्क करेगा, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, थोड़ा सा और देखें लास्ट चीज, ठीक है, ओके, कंसोल डॉट लॉग वार एक्स इक्वल टू वन, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एक्स, सही है, लेकिन एक्स को मैंने पहले कंसोल कराया हुआ है, वेरिएबल्स मैंने बाद में बनाया हुआ है, सही है, आते हैं देखते हैं भाई क्या कह रहा है, सेव किया, वापस जाते हैं, कंट्रोल आर, अनडिफाइंड, अकॉर्डिंग टू सिंक्रोनस सिंगल थ्रेटेड, लाइन बाय लाइन सिंगल थ्रेटेड, कोई भी ग्लोबल वेरिएबल अगर उसको कॉल हुआ हुआ मिला, डिफाइन बाद में था क्योंकि वो ग्लोबल है हर जगह एवरीवेयर, उसने बोला ठीक है मुझे बाद में दे देना, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है, सेम कॉपी करते हैं और इसको कमिट करते हैं और यहां पर आ जाते हैं, यहां पर अब मैं लिखता हूं लेट, ठीक है, x इक्वल टू वन, ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, अब उसने आपकी स्क्रीन ही पॉज कर दी है, उसने बोला कि कैन नॉट एक्सेस x बिफोर इनिशियलाइजेशन बिकॉज वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव है कि भाई नहीं भाई मेरा जो स्कोप है उसमें कहीं पर ऐसी चीज मिल रही है जो कभी बनी ही नहीं थी, सही है, वो इसको बोल रहा है कभी बना ही नहीं था क्योंकि उसका जो स्कोप है वो ब्लॉक स्कोप है, सही है, ग्लोबल स्कोप नहीं है, सही है, लाइन बाय लाइन से मुताबिक जो है ना, नहीं, देखो जब आप लाइन बाय लाइन रीड करना शुरू करते हो ना इस चीज को, तो जो आपके कीवर्ड बनाए हुए हैं जावास्क्रिप्ट ने अपने, सही है, उनके अंदर अगर आप इसको इसको थोड़ा डिटेल में रीड करोगे ना वार की हिस्ट्री को, तो इसको बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज दे दी गई हैं कि भाई अगर आपको वेरिएबल का डेटा बाद में मिले कभी भी मिले तो क्या क्या चीज आपने प्रिंट करनी है, लेकिन उसके मुकाबले में जो लेट है वो बहुत ज्यादा केस सेंसिटिव है, जब तक आपको डेटा ना मिले, सही है, एक्सेसेशन के लिए आपने इनिशियलाइज होना ही नहीं, कब इनिशियलाइज होने से पहले, अभी देखो ना इनिशियलाइज होने से पहले ही वो पॉज कर रहा है इसके नीचे, बिल्कुल वर्क करेगा, डेफिनेटली वर्क करेगा, लेकिन अब बताओ इसके होते हुए या इसके नीचे, हाँ बताओ क्या करेगा, एरर ही रहेगा क्योंकि जहां वो बाउंड हो गया वहीं वो पॉज ही हो गया, बात खत्म हो गई उसकी, सेव किया, वापस आते हैं, नहीं कोई इशू नहीं है, कंसोल डॉट, हाँ बिल्कुल ऐसे लिखे हैं, ठीक हाँ कहने क्या चाह रहे हो, आ गया बिल्कुल लिखा हुआ है, क्यों नहीं है,
आप ऐसा करो ना कि जो प्रॉपर एरर है वो ना दिखाओ, जो आपका शो एरर का एरिया है वहां अपने हिसाब से एरर दिखाओ। ये आपको करना होगा बार बार, लाजमी करना होगा ये। यहाँ पर एक मिनट ना, पहले बता दो लिखना क्या है। एक्स, और इसको कहाँ ले जाऊं? यहाँ पर, ठीक है, इधर नॉट वर्किंग, बिल्कुल वर्किंग करे, सही है। लेकिन आपके सवाल का बेहतरीन जवाब ये है कि अगर एरर हैंडलिंग की बात होगी ना, तो एरर्स को आपने अपने हिसाब से लाजमी दिखाना है और उसको शो भी करवाना है। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? ओके, एक सवाल किया था एक टाइम पे मैंने आप लोगों से, और वो वहां पे पॉज हो गया था इस वजह से, ब्लॉक स्कोपिंग और लेट स्कोपिंग की वजह से। ठीक है, वो एक दफा मैं दोबारा करता हूँ, अगर इसका कोई सॉल्यूशन बताना चाहे तो। ठीक है, आओ एक लूप चलाकर देखते हैं। सही है, डिफरेंस बिटवीन वॉर लेट एंड कॉन्स क्लियर है सबको? एक थोड़ी सी नई चीज देख रहे हैं। ठीक है, वार आई इज इक्वल टू जीरो, नॉट जीरो, आई इज इक्वल टू वन, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू फाइव, आई प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग आई, क्या आएगा? 1 2 3 4 5, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, मेरे पास 1 2 3 4 5 आ रहा है। सही है जी, ये क्या करता है? सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट क्या करता है? टाइमर है, हमारा टाइमर का एक फंक्शन है, क्या पैरामीटर में लेता है? एक कॉल बैक फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, जिसका कोई नेम नहीं है उसको बैक पे अपना खुद कॉल करेगा। सही है, और यहाँ पर टाइम मैंने बता दिया, जो भी मेरा टाइम है मैंने 1 सेकंड बता दिया। सही है, और कंसोल डॉट लॉग को मैंने यहाँ पर यही वाला कंसोल करा लेता हूँ, ऊपर वाले को मैंने बंद कर दिया है, इसको मैंने यहाँ पर ये कर दिया है। ठीक है, हाँ भाई, क्या आएगा अभी? 1 2 3 4 5 क्या आएगा? थक करके वैसे ही आ जाएगा डेटा, हर आइट्रेशन पर रुकेगा। सही है, देखते हैं, सेव किया, कंट्रोल आर, कुछ नहीं किया उसने, बल्कि एक 6 लाके रोक दिया। ये क्या हुआ, नहीं पता चल रहा। ठीक है, ओके, अब मेरी बात का जवाब दो। अगर मैं बोलूं देखो ये क्या है, 1 सेकेंड, ओके, हर बार जो आइट्रेशन रेंडर हो रही है वो भी तो 1 सेकेंड की ही हो रही है। वन वन क्या है? वन वन ही है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, वन, क्लियर है? सही है, अगर मैं बोलूं आई मल्टीप्लाई बाय 1000, अब क्या आएगा? दे, अ टाइमर अपनी जगह है, आपका चलेगा ये 1 से लेकर 5, वहां क्या आएगा? टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन वहां तो 6 आ रहा है, देखो ना, अब नहीं आएगा। अच्छा, ये 5 का मतलब क्या है? जो 1 से लेकर 5 तक चला है वो, लेकिन हर बार में आया उसके पास 6। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं, कंट्रोल आर, अब तो स्नेक की दफा 6 लाके दिया है, 3 4 5 6, बस। पहले उसने 5वें टाइम को एक ही दफा चला दिया था, अब हर बार से टाइमर तो उसने हमारा सही चलाया, लेकिन 6 लाकर दे रहा है, वैल्यू सेम है। सही है, ओके, देखो जरा इसी को कॉपी करते हैं। सही है, और आते हैं कहां पर? नीचे। सही है, लेट आई इज इक्वल टू वन, सही है, आई इज इक्वल टू वन, सही है, आई शुड बी लेस देन इक्वल टू फाइव, आई प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग आई, आई मल्टीप्लाई बाय 1000, क्लियर है? कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया है, एक वेरिएबल से रिप्लेस मारा है और कुछ नहीं किया। सेव किया, वापस आते हैं, आर 1 2 3 4 5,
जो मैं चाह रहा था उसने मेरे को करके दे दिया लट से। सही है, इसका सिर्फ सिंपल सही आंसर है, हर काम आपका वार नहीं करके दे रहा। तो जहां पर आपका काम इस तरीके से फंस जाए ना, वहां पर वेरिएबल की स्कोपिंग को देखो और उससे काम कर लो। सही है, जो काम मैं चाह रहा था वो इसने मुझे करके दे दिया। यस यस, ठीक है। एडवांस जावास्क्रिप्ट का फीचर है, इक्मा स्क्रिप्ट का फीचर है, 2016 का फीचर है, 2016 में ही अनाउंस हुआ है। सही है, मेरे पास मीटिंग का टाइम खत्म हो चुका है, आपको आप इसकी प्रैक्टिस करो, हम नेक्स्ट मीटिंग में नया टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, वार लेटेंट कौन से रिलेटेड, अभी अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछ ले। सही है, देखो हुआ ऐसा ये है कि यहां पर जो है ना, सबसे पहले इसको बंद करते हैं दोबारा और इसको दोबारा चलाते हैं। यार ये तो बिल्कुल सही चल रहा है, 1 2 3 4 5, क्योंकि आप इसकी अगर थोड़ी सी फंक्शनैलिटी को समझो भाई, एक चले हर बार एक ही रेंडर हो रहा है आइट्रेशन से, 1 2 3 4 5, और वो टाइमर चला देता है, जो भी हमारी आई की वैल्यू है जो कि हर बार 1 ही है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके और हमारी आइट्रेशन को रेंडर कर देता है। सही है, लेकिन यहां पर ये हो रहा है, इसको अगर हम आए और इसको खोल कर देखें, सबसे पहले जो है ना आई मल्टीप्लाई बाय 1000 को देखो क्या कर रहा है, सेव किया, कंट्रोल आर, 1 2 3 4 5, ठीक है 6, और अगर इसको हटा भी दो